हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई हो अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं आया सर, मैं लेके आऊँ आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो, एक न्यू टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बारे में। जो हम पासपोर्ट ऑफिस में फिजिकल वेरिफिकेशन कराने जाते हैं फ्रेंड्स, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे फ्रेंड्स, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फ्रेंड्स। ओके, वीडियो चालू करने से पहले फ्रेंड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, साथ में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस करें, जिससे में कोई भी न्यू टॉपिक की वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके फ्रेंड, चलो वो देखें लास्ट तक। ओके फ्रेंड, चलो वीडियो चालू करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड, जो हमारा सबसे पहले नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको कुछ ले जाना होगा। ओनली कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेना चाहिए ले जाना होगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम उस डॉक्यूमेंट का यूज किया था। जैसे कि फ्रेंड आधार कार्ड आपको ले जाना होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी होगी ओनली बस। और आपको अगर आधार कार्ड है, आधार कार्ड से आपने फिल किया है, तो फ्रेंड्स उसमें बिल्कुल जो आपने फिल किया है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए, नाम मैच होना चाहिए, एड्रेस भी मैच होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और एक सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ एक बार गलती हुई थी फ्रेंड्स, कि जो आपका आधार है वो अपडेटेड होना चाहिए, उसमें जो फोटो है वो जो आपका नॉर्मल अब है लेटेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि 2 साल या 3 साल पुराना हो, नहीं लेते फ्रेंड, बिल्कुल न्यू होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं, आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना होगा और आधार कार्ड लेके जाना होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट, उसका हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड की आपको फोटो शेल ले जानी पड़ेगी फ्रेंड, और ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा। और ओके फ्रेंड, और आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी ले जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेटर फ्रेंड आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा, ऐसे फ्रेंड आप सबमिट कर देते हो, उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट में बैठाया जाएगा कि आप वेट करिए। फिर उसके बाद एक एक करके आपको बुलाया जाएगा फ्रेंड्स, देख पा रहे हो इस टाइप से आपको बुलाया जाएगा। ये जो सर बैठे हैं ये आपको बुलाएंगे, ये आपसे आपका वेरिफिक नाम पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपका आधार चेक करेंगे। फिर फ्रेंड्स उसके बाद आपको पहले फोटो खींचेगा एक, फिर उसके बाद थंब लगवाएंगे, फिर फिंगर लगवाएंगे फ्रेंड्स, फिर आपको एक फॉर्म निकाल के देंगे इस तरीके का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ये फॉर्म ये आपको फिल करना होगा, यहाँ पे नाम लिखना होगा। ओके फ्रेंड, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना फाइल नंबर दिखाई देगा, फिर वहाँ पे साइन करवाएंगे फ्रेंड्स, आपको पेन भी साथ में लेके जाना होगा। ओके फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे साइन करवाएंगे जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऊपर। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, साथ में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर, जिससे मैं कोई भी न्यू टॉपिक की वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट वीडियो होने वाली है फ्रेंड पुलिस वेरिफिकेशन की, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है और कितना टाइम लगता है। ओके फ्रेंड।